गाइस एक छोटी सी बट जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। ये PFA की किट है जो मुझे आज रिसीव हुई है। ये मैंने एक हफ्ते पहले अप्लाई किया था और ये मेरा फीडर कार्ड है जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। इसके साथ मैंने ये बैंड भी अप्लाई किया था। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो बट मैंने अप्लाई कर दिया था। इस कार्ड के साथ हम लोगों को क्या क्या राइट मिलते हैं वो सारे राइट इसमें लिखे हुए हैं। ओवरलोडिंग का है कि अगर इससे ज़्यादा हम लोग किसी भी एनिमल के साथ ओवरलोड वेट देखते हैं तो हम ये एक्शन सारे ले सकते हैं। एनिमल के साथ क्रुएलिटी देखते हैं तो हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। PFA कैसे वर्क करता है वो सारा इन्होंने ब्रीफली बताया हुआ है। ये कार्ड हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल सभी को सेम प्रॉब्लम आ रही है, फीडिंग में प्रॉब्लम, कि लोग खाना खिलाने नहीं दे रहे हैं, एनिमल को मार रहे हैं, हम उनको सेफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कार्ड होने से हम लोगों के पास एक राइट हो जाता है, हम लोग लीगली ऑथराइज हो जाते हैं। तो ये कार्ड होने से पुलिस वाले भी हमारी सुनते हैं। तो मुझे गुरुद्वारे का केस के बाद ये चीज़ समझ आई कि हम लोगों का किसी भी NGO या किसी भी एनिमल वेलफेयर के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसका मेंबर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने मेंबरशिप कार्ड लिया ये, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। बट तो मैं ये चाहूँगी कि आप सभी अपना ये कार्ड अप्लाई कर लीजिए क्योंकि जिन जिन को ये प्रॉब्लम होती है वो इस कार्ड के थ्रू अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये कार्ड मेरा 500 रुपीज़ में बना है विद बैंड।